कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए। जी आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल, तो उनके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी आइए देखते हैं। ये है ब्रेड, मैंने फीकी डबल रोटी ली है, मीठी मत लीजिएगा। अच्छा ये है चीज, मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। ये है बॉयल आलू, ये है चिकन जिसे मैंने बॉयल कर लिया। ये है मैदा, ये है ब्रेड क्रम्स, एक अंडा जाएगा। ये है सोया सॉस, ये है केचप, ये है हॉट सॉस, ये है चाट मसाला, ये चिकन पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, ये कुटी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और नमक, ये हरी मिर्च, एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया। ये है हरी प्याज, ये है हरा धनिया, ये है गाजर, ये है शिमला मिर्च और ये है बंद गोभी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रेड है, ब्रेड को लिया हमने और हमने इस तरह ये साइड से इसके जो सख्त एरियाज हैं वो निकाल दिए, और ये ज़ाया नहीं होगा, इसके क्रम्स बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह करके कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती, इस्तेमाल में आ जाती है। इस तरह हमने निकाल दिया, ठीक है, ये दो स्लाइस हमने इस तरह निकाल लिए। अब हम जो हमारे पास ये शॉपिंग बैग अवेल होते हैं इसमें हमने रखना है, बिस्मिल्लाह, इसमें हमने इस तरह डबल रोटी को रखना है, ठीक है, और बेलन लेंगे और ये देखिए इस तरह आपकी इधर ये ख़राब भी नहीं होगा, गंदगी भी नहीं होगी, आराम से ये थोड़ा सख्त हाथ से कीजिएगा, बस इनको थोड़ा पतला करना। ये देखिए पतला हो गया, बस हो गया, बस ये देखिए इस तरह से हमें पतला कर लेना। ये मैं तकरीबन सारे किए हैं, बस ये मैं आपको दिखाने के लिए एक दो करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह लीजिएगा। वैसे भी आप रख सकते हैं, इस पे कर लीजिए, इस पे करके दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। ये आलू लेंगे, आलू गया इसमें, उसके बाद चिकन गई इसमें, ये देखिए इसको थोड़ा सा हाथ से साफ धुले में होने चाहिए हाथ, और हाथ से इस तरह कर लीजिए। अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद सोया सॉस गई, केचप गई, हॉट सॉस गई, सारे मसाले गए और सारे सब्जियां चली गई। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम को चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है, रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इस तरह सब्ज़ी भी चली जाएगी और चिकन भी चला गया, हर चीज़ बच्चों के इस्तेमाल हो जाएगी। देखिए चीज़ चली गई, बिस्मिल्लाह, जब चीज़ डालें तब ज़रा हल्के हाथ से इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं कीजिएगा, नॉर्मल तरीके से। चेक कर लीजिएगा नमक कम तो नहीं है, तो फिर ऐड कर दीजिएगा। चले आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें हल्का सा हमने उस तरह किया और इसको इस तरह लिया। अच्छा ये हमने जो है ना मैदे में था और पानी, ये देखिए इस तरह लगा देंगे, पानी भी लगा सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, चारों तरफ लग जाएगा। बिस्मिल्लाह,
यहाँ से भी इसको कस के बंद कर दीजिए, ये प्रॉपर बंद हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह बिस्मिल्लाह इस तरह करके, और ये हमने इस तरह रोल कर, ये देखिए ये हो गया, और यहाँ से ये इस तरह इस तरह साफ बना लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं क्या करना। देखिए ये रोल हो गए, अब मैं इस पर कोट कर रही हूँ अंडे में, उसके बाद फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे इस तरह सारे करके, और फिर हम इसको तल लेंगे। चारों तरफ से कर दीजिएगा, ये देखिए। अच्छा, डबल रोटी को ना फ्रेश लीजिएगा, अगर आपने बासी डबल रोटी ली ना तो ये टूट जाएगी डबल रोटी, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा ताज़ी ही हो उसमें बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह करके ये तमाम जो है इसी तरह होंगे, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना। देखिए ऑयल जो है मीडियम आंच पर है, बिस्मिल्लाह, क्योंकि सारी चीजें बॉयल है, सिर्फ हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये हो गए हैं, सब इनको निकाल लेते हैं, और आप प्लीज ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। Allah Hafiz.